हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ नरेंद्र। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था इंटरनल कंबशन इंजन। आज हमारे पास ये न्यूमेरिकल है जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे पास न्यूमेरिकल है टू आइडेंटिकल रोलर्स। आइडेंटिकल मीन्स एक समान, ठीक है। वन एंड टू रोलर्स विच वेट इज 100 न्यूटन आर सपोर्टेड बाई इंक्लाइंड प्लेन, ये हमारा हो गया। और एक हमारा ये हो गया वर्टिकल बारिश, ठीक है। तो इसमें हमें पता करना है डिटरमाइन द रिएक्शन एट पॉइंट कॉन्टेक्ट ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम टॉप मोस्ट रोलर को पिकअप करेंगे, ओके। टॉप मोस्ट इसलिए क्योंकि इस पे अननोन नंबर ऑफ अननोन कम है, ओके, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए कि फ्री बॉडी के कंडीशन में सबसे पहले हम इसका ड्रॉ करेंगे एफ बी डी, दैट मीन्स फ्री बॉडी डायग्राम, ओके। फ्री बॉडी डायग्राम्स के लिए ए पॉइंट पे हमारा रिएक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन एंड दिस विल बी एक्ट ऑन 90 डिग्री, ओके। ये 90 डिग्री होगा, इसको हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड करने के बाद ये हमारा हो गया एक ट्रायंगल्स, ठीक है। ट्रायंगल्स हो गया तो त्रिभुज के यानी कि एनी इंटीरियर एंगल ऑफ एनी राइट ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स इसके टोटल जो एंगल्स हैं सभी का समेशन 180 होना चाहिए, जबकि हमारे पास 90, 30 एंड रिमेनिंग इज 90, 30, 120 एंड रिमेनिंग इज कितना होगा 60 डिग्री, ओके। नाउ इट पास थ्रू द सेंटर ऑफ पोलर एंड रिएक्शन एट पॉइंट ए, इट विल बी रिएक्शन एट पॉइंट ए, ओके। नेक्स्ट पोजीशन हमारा इस पॉइंट में है, तो इसका एबिडी हो गया हमारा, ठीक है, कुछ इस तरह हो गया। रोलर का वेट 100 न्यूटन और इस पे हमारा ये वेट है, ठीक है, आर ए रिएक्शन एट पॉइंट ए। इसको हम एक्सिस से डिवाइड करते हैं, दिस एंगल आल्सो विल बी 60, ओके। एंड यहाँ पे जो हमारा बॉल्स वन एंड बॉल्स टू है, ये दोनों आइडेंटिकल मतलब एक समान है, आपस में एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे तो उनके बीच कॉमन रिएक्शन होगा, ठीक है, जिसका हमने नाम दिया डी। दैट मीन्स इस प्लेन पे यहाँ पे डी रिएक्शन एट रिएक्शन डी पॉइंट आर डी होगा, ठीक है, जो इसके सेंटर से पास करेगा और इस तरह बनेगा ये आर डी, ओके। अब जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन यहाँ पे दिया हुआ है, इस इंक्लाइंड प्लेन के इक्वल ही इस प्लेन के बराबर का ये एंगल और ये एंगल और इस प्लेन के बराबर का ये एंगल, ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये ही इंक्लाइंड प्लेन पे ये रखा हुआ है। तो हमारा ये भी एंगल क्या होगा 30 डिग्री, ओके। तो हमारा एक बॉडी हो गया जिसमें 100 न्यूटन का इसका वेट, आर डी हमारा रिएक्शन है डी पॉइंट जिसको हमने सेंटर से पास किया दूसरे साइड से, एंड आर ए रिएक्शन विल बी रिटर्न इन दिस फॉर्म, ओके। नाउ वी कैलकुलेट अप्लाई लामीज थ्योरम अगेन, वंस अगेन वी हैव कैलकुलेट लामीज थ्योरम के लिए। देखिए इसको हम क्लियरली बना देते हैं, 100 न्यूटन का लोड एंड दिस इज आर डी एंड दिस इज आर ए एंड ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये एंगल 30, ये एंगल हो गया आपका 60, ओके। तो अगर हम इस लाइन को 180 डिग्री एज्यूम करते हैं, एक सरल रेखा या रेखा के रूप में 180 डिग्री एज्यूम कर रहे हैं, दिस एंगल विल बी 90 एंड दिस एंगल विल बी 90 एंड रिमेनिंग एंगल हमारा इस लाइन के अबव पॉइंट पे है, तो लाइन के नीचे 90 प्लस 90 180 कंप्लीट
एंड लाइन के ऊपर भी 180 होना चाहिए, जबकि हमारे पास है कितना 60 प्लस 30 दैट मींस 90 एंड रिमेनिंग एंगल विल बी कितना होगा हमारा 90 होगा, तो ये हमारा होगा 90। ओके, तो एज पर लामिस थ्योरम, ठीक है, लामिस थ्योरम क्या कहते हैं, इफ ए बॉडी इज इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस देन इस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। तो साइन एंगल के फॉर्म में हमारा क्या होगा, यदि हम आर ए फोर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, आर ए फोर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो बाकी के दोनों फोर्स आर डी और आर ए के बीच का टोटल एंगल क्या होगा, तो 90 प्लस 30 120 डिग्री एंड 90 प्लस 60 150 डिग्री एंड दिस वे ऑलरेडी कैलकुलेटेड। ओके, तो हमारा हो गया आर ए, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल to the side angle, that means each force and is proportional and remaining other two forces RD plus A in terms of sine. Sine 120 is equal to and RD is equal to sine 150 is equal to 100 upon sine 90. Okay, now we calculate, we have 1, 2, 2 unknown and we have easily calculate first and second and second and third, then RA is equal to and RB, RD is equal to, we have easily calculated RA is equal to 50 kilonewton yeah newton sorry 50 newtons and RD is equal to 86.6 newton. This is the final answer. Okay, this is the final answer. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमने बताया आपको किस तरह हम वन बॉल्स का कैलकुलेट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट बॉल के लिए हम आपको बताएंगे नेक्स्ट रोलर के लिए फ्री बॉडी डायग्राम देखिए। यहाँ पे हमारा ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे भी एक रिएक्शन अप्लाई होगा, रिएक्शन हमारा 90 डिग्री के साथ होगा, इसको मिला देंगे, तो ये 90 30 ये भी हमारा क्या 60, इसको सेंटर से पास करेंगे। ओके, ये बी पॉइंट पे एंटर कर रहा तो आर बी होगा, जिसका नाम हमने दे दिया आर बी। ठीक है, इसका वेट तो कुछ इस तरह होगा, ये हो गया हमारा बॉडी का वेट 100 न्यूटन, बिकॉज ये आपका ऑलरेडी दिया हुआ ईच ऑफ वेट इज 100 न्यूटन, बॉडी का वेट 100 न्यूटन एंड बी पॉइंट पे रिएक्शन इसके सेंटर से पास होगा, रिएक्शन होगा आर बी। सो ध्यान से देखिए, ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि संगत कोण है। ठीक है, तो संगत कोण में देखिए ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी एंगल क्या होगा 60 होगा, तो हमारा हो गया ये 60 डिग्री। वंस अगेन यहाँ सी पॉइंट पे है, तो सी पॉइंट पे रिएक्शन लगेगा आर सी, तो यहाँ से हमने रिएक्शन को आर सी को दिखाया और एक्सटेंड भी कर दिया आर सी। ठीक है, और इसका वेट हो गया आर सी, रिएक्शन हो गया आर बी एंड फाइनली डी पॉइंट पे जो हमारा ये कॉमन रिएक्शन है, कॉमन रिएक्शन हम इन दोनों के साथ अटैच होगा, जिसका वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट किया, तो यहां से ये इक्वल होगा कॉमन रिएक्शन, दैट मींस जिसका हमने नाम ले लिया आर। नाउ वी हैव कैलकुलेट द कंपोनेंट मेथड्स, कंपोनेंट मेथड्स के लिए हमारे पास होगा कुछ इस तरह होगा। ठीक है, कंपोनेंट्स के लिए देखिए इस एंगल को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा होगा आर बी कॉस 60 एंड आर बी साइन 60 एंड दिस मे बी इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये एंगल पता करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, सो सामने का एंगल क्या होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आर डी कॉस 30 एंड आर डी साइन 30। ओके, नाउ वी हैव अप्लाइड द अलजेब्रिक सम ऑफ इक्वेशन सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, टू इक्वेशन हमें अप्लाई करनी है, तो अल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन एंड अल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम वाई डायरेक्शन में अप्लाई करें। ठीक है, तो हमारे पास वाई डायरेक्शन में 1, 2 और 3 फोर्सेज हैं। ठीक है, तो हमारा हो गया आर बी, अपवर्ड फोर्स को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, आर बी साइन 60 माइनस 100 माइनस आर डी साइन 30 इज इक्वल टू 0।
put the value in RD in equation 1, then RB sin 60 is equal to 100 plus RD का वैल्यू कितना था 86.6 sin 30 and we find out the value of RB is equal to 100 plus 86.6 sin 30 divided by sin 60 and then RB is equal to 144 point, ठीक है, आप इजीली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो आपका ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा, ठीक है। एंड सेम ये वैसे आप हम पुट करेंगे, तो ये हमारा हो गया वर्टिकल डायरेक्शन के लिए फोर्स, अल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन, सेम एज इट हम इसको सॉल्व करेंगे, अल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन के लिए सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स डायरेक्शन में हमारे पास 1, 2, 3 तो गया हमारा आर सी पॉजिटिव सॉरी माइनस आर बी कॉस 60 माइनस दिस वन आर डी कॉस 30 इज इक्वल टू जीरो एंड पुट द वैल्यू आर सी इक्वल टू आर बी कॉस 60 प्लस आर डी कॉस 30 and put the value of RB 144.34 into cos 60 plus RD value kya 86.6 into cos 30 and then we find the value of RC. RC is equal to what will be the answer? 115.47 newton. Okay. So this is the final answer. Thank you so much.